नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अवनीत सिंह और स्वागत है आप सबका मेरे चैनल एविसिम फिटनेस में। गाइज, आज मैं आपके लिए कंपैरिजन वीडियो लाया हूं बिटवीन टू बिग ब्रांड्स, बिटवीन टू बिग प्रोडक्ट्स। गाइज, एक तरफ है जिम सप्लीमेंट साइंस का प्रो जिम और दूसरी तरफ है गाइज BSN का सिंथा 6। गाइज, ये दोनों ही जो है मील रिप्लेसमेंट प्रोटीन्स हैं और बिटवीन मेजर मील्स रिकमेंड किए जाते हैं कि आप इन्हें यूज़ कीजिए, क्योंकि इसमें आपको फास्ट, मीडियम और स्लो डाइजेस्टिंग प्रोटीन का एक ब्लेंड मिल जाता है। साथ ही साथ गाइज मैं आपको बता दूं, ये दोनों ही ब्रांड जो हैं USA के ब्रांड हैं, जिम सप्लीमेंट साइंस और BSN। एंड गाइज, ये दोनों ही ब्रांड्स USA में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हैं। इंडिया में गाइज BSN का सिंथा 6 काफ़ी पॉपुलर है, BSN ब्रांड काफ़ी पॉपुलर है और जिम सप्लीमेंट साइंस जो है दिन ब दिन पॉपुलर होता जा रहा है। तो चलिए गाइज, हम इन दोनों का, दोनों ही प्रोडक्ट्स का प्रोफाइल देखते हैं, इंग्रेडिएंट्स देखते हैं, सप्लीमेंट फैक्ट्स देखते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट बेहतर है। जहाँ तक गाइज जिम सप्लीमेंट साइंस के प्रो जिम की बात की जाए, तो इसके एक सर्विंग में आपको 24 ग्राम्स प्रोटीन मिल जाएगा, जिसमें आपको 7.5 ग्राम वे प्रोटीन आइसोलेट मिलेगा जो कि एक प्योरेस्ट फॉर्म है। 7 ग्राम इसमें आपको माइसलर कैसीन मिलेगा जो कि एक स्लो डिजेस्टिंग फॉर्म है और आपको 8 आवर्स तक अमीनो एसिड डिलीवरी प्रोवाइड करती है। 7 ग्राम इसमें आपको मिल्क प्रोटीन आइसोलेट मिलेगा जो कि वे प्रोटीन आइसोलेट 80% और 20% माइसलर कैसीन को कंबाइन करके बनाया जाता है। और 2.5 ग्राम इसमें आपको एग वाइट प्रोटीन मिलेगा जो कि एक मीडियम डिजेस्टिंग प्रोटीन है। सो गाइज, फास्ट डिजेस्टिंग और मीडियम डाइजेस्टिंग प्रोटीन का आपको ब्लेंड मिल जाएगा और ये बाइफरकेशन दे रखी है 24 ग्राम प्रोटीन की पूरे। आपके सामने गाइस 4 LBS का टब अवेलेबल है 46 सर्विंग्स का, चॉकलेट माउस फ्लेवर में। इसके अलावा इसमें काफी फ्लेवर्स आते हैं, जैसे स्ट्रॉबेरी, बनाना क्रीम पाए, मिंट चॉकलेट चिप, काफी इस तरह के फ्लेवर्स अवेलेबल हैं। ऑन अदर हैंड गाइस, BSN सिंथा 6 में आपको 22 ग्राम प्रोटीन मिलेगा पर स्कूप, पर सर्विंग। आप कभी भी इसे यूज़ कर सकते हैं। 10 ग्राम इसमें एसेंशियल अमीनो एसिड्स आपको मिलेंगे। चॉकलेट मिल्कशेक फ्लेवर का 5 LBS का 2.27 kg का टब आपके सामने अवेलेबल है। इसके अलावा इसमें काफ़ी फ्लेवर्स आते हैं, जैसे स्ट्रॉबेरी मिल्कशेक, वनीला मिल्कशेक, काफ़ी इस तरह के फ्लेवर्स अवेलेबल हैं इस प्रोडक्ट में भी। एंड गाइस, ये दोनों ही प्रोडक्ट्स जो हैं मील रिप्लेसमेंट प्रोटीन है, मैंने आपको पहले ही बताया। तो चलिए इसके सप्लीमेंट फैक्ट्स देखते हैं, दोनों ही प्रोडक्ट्स के किस प्रकार के इंग्रेडिएंट्स हैं वो देखते हैं। ज़्यादा गाइस जिम सप्लीमेंट साइंस के प्रो जिम की बात की जाए, तो उसका एक स्कूप 40 ग्राम का है। सर्विंग्स पर कंटेनर आपको 46 मिलेंगी। अमाउंट पर सर्विंग कैलोरीज होंगी 150, कैलोरीज फ्रॉम फैट 35 होंगी, टोटल फैट 3.5 ग्राम होगा, सैचुरेटेड फैट 3 ग्राम, कोलेस्ट्रॉल ऑन एन लोअर साइड होगा गाइस 15 mg। तो गाइस ये एक अच्छी बात है कि एक ब्लेंडेड प्रोटीन में लो कोलेस्ट्रॉल है। 6 ग्राम कार्ब्स हैं इसमें, 1 ग्राम शुगर है, 24 ग्राम प्रोटीन है, कैल्शियम 424 mg है, 190 mg सोडियम है और पोटेशियम 120 mg है। सो गाइज, 40 ग्राम के स्कूप में आपको 24 ग्राम का प्रोटीन मिल रहा है, यानी जो प्रोटीन की बायोअवेलेबिलिटी है गाइज वो है अराउंड 60%। लेकिन गाइज, ब्लेंडेड प्रोटीन में 60% अवेलेबिलिटी होना काफ़ी बढ़िया चीज़ है, क्योंकि इसमें आपको स्लो डाइजेस्टिंग, मीडियम डाइजेस्टिंग और फास्ट डाइजेस्टिंग प्रोटीन का एक ब्लेंड मिलता है। मील रिप्लेसमेंट प्रोटीन है, तभी इसकी जो बायोअवेलेबिलिटी है वो कम होती है। एंड ज़्यादा गाइज, इंग्रेडिएंट्स की बात की जाए, तो एक प्रोटीन ब्लेंड है जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, वे प्रोटीन आइसोलेट, माइसोलेट कैसीन, मिल्क प्रोटीन आइसोलेट और एग प्रोटीन का एक ये ब्लेंड है। बाकी इसमें अदर इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं। गाइज, मैं आपको बहुत सी वीडियोस में बता चुका हूँ कि वे प्रोटीन की जो फर्स्ट फॉर्म है वो होती है वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट, वे प्रोटीन आइसोलेट उसकी सेकंड फॉर्म होती है जो कि प्योरीफाई और प्रोसेस करके बनाई जाती है, अगेन प्योरीफाई करके उसको हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन में कन्वर्ट किया जाता है जो कि सबसे प्योरेस्ट होती है। जैसे जैसे गाइज वो फॉर्म आगे बढ़ती जाती है, वैसे ही वो प्योर होती जाती है और ज़्यादा फास्ट डिजेस्टिंग हो जाती है और ज़्यादा महंगी हो जाती है, क्योंकि उसको प्योरीफाई करने में काफ़ी जो है टाइम लगता है और कॉस्ट भी लगती है। एंड गाइज, जहाँ तक न्यूट्रिशन फैक्ट्स की बात की जाए BSN सिंथा 6 की, तो उसका एक राउंडेड स्कूप 47 ग्राम का है। सर्विंग्स पर कंटेनर आपको 48 मिलेंगी। अमाउंट पर सर्विंग कैलोरीज होंगी 200, टोटल फैट 6 ग्राम है, सैचुरेटेड फैट 2 ग्राम, ट्रांसफैट इसमें कुछ नहीं है, कोलेस्ट्रॉल 70 mg है। तो गाइज, कोलेस्ट्रॉल ऑन एन आप कह सकते हैं एवरेज साइड है या अबव एवरेज आप कह सकते हैं। प्रो जिम में सिर्फ 15 mg कोलेस्ट्रॉल था पर सर्विंग। सोडियम इसमें गाइज 220 mg है, पोटेशियम 300 mg है, 15 ग्राम कार्ब्स हैं इसमें गाइज। प्रो जिम में 6 ग्राम कार्ब्स थे, तो इसमें 15 ग्राम कार्ब्स हैं, तो हाई ऑन कार्ब्स है। बेसिकली जो लोग बल्किंग करना चाहते हैं तो BSN सिंथा 6 के साथ डेफिनेटली जा सकते हैं, क्योंकि कार्ब्स ऑन एन हायर साइड हैं। साथ ही साथ गाइज, मैं आपको बता दूं, इसमें डाइट्री फाइबर 5 ग्राम मिलेगा जो कि प्रो जिम में अवेलेबल नहीं था। डाइट्री फाइबर गाइज आपके डेफिनेटली जो है जितने भी आप प्रोटीन और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स लेते हैं उसको डाइजेस्ट करने में और उस वो सही तरीके से काम करें उसमें काफ़ी मदद करता है और आपको फुल रखता है डाइट्री फाइबर आपको। जैसे अगर आप एक ये प्रोटीन का स्कूप लेंगे तो आपको 1-2 घंटे तक भूख नहीं लगेगी, तो आपके स्टमक को फुल रखेगा, उसमें काफ़ी हेल्प करता है डाइट्री फाइबर। और शुगर इसमें आपको गाइस 2 ग्राम मिल जाएगी, प्रोटीन इसमें 22 ग्राम है। सो गाइस, 47 ग्राम के स्कूप में आपको 22 ग्राम का प्रोटीन मिल रहा है, यानी जो प्रोटीन की बायोअवेलेबिलिटी है गाइस वो है अराउंड 47%। अगेन ब्लेंडेड प्रोटीन है गाइस, बायोअवेलेबिलिटी कम होगी, लेकिन आपको प्रो जिम में 60% बायोअवेलेबिलिटी मिल रही थी, यहाँ पे सिर्फ 47% ही है बायोअवेलेबिलिटी।
कैल्शियम 15% है इसमें गाइज, आयरन 8% है, फॉस्फोरस 15% और मैग्नीशियम 6% है। सो गाइज प्रोफाइल बहुत ही बढ़िया है इस प्रोडक्ट की। चलिए इंग्रेडिएंट्स भी देख लेते हैं। ज़्यादा गाइज इंग्रेडिएंट्स की बात की जाए तो ये एक प्रोटीन ब्लेंड है जिसमें आपको फास्ट डिजेस्टिंग वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट, वे प्रोटीन आइसोलेट मिलेगा, स्लो डिजेस्टिंग कैल्शियम कैजिनेट, माइसलर कैसिन है इसमें जो आपको 8 आवर्स तक अमीनो एसिड डिलीवरी प्रोवाइड करता है। देन मीडियम डिजेस्टिंग इसमें मिल्क प्रोटीन आइसोलेट और एग एलोबिन आपको मिल जाएगा और साथ में इसमें ग्लूटामेट पेप्टाइड्स हैं और बाकी इसमें अदर इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं। सो गाइज काफ़ी बढ़िया प्रोफाइल है, अगेन फास्ट मीडियम और स्लो डिजेस्टिंग प्रोटीन का एक ब्लेंड है जो कि काफ़ी बढ़िया माना जाता है। एज अ मील रिप्लेसमेंट आप इस प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं, डेफिनेटली बल्किंग के लिए यूज़ होता है। ज़्यादा गाइज इन दोनों ही प्रोटीन्स की मिक्सिबिलिटी की बात की जाए तो गाइज एज अ मील रिप्लेसमेंट ये प्रोटीन है, काफ़ी इनका थिक शेक बनता है और मिक्सिबिलिटी तो प्योर है ही लेकिन थिक शेक बनता है काफ़ी। और ज़्यादा गाइज प्राइसिंग की बात की जाए तो गाइज ये दोनों ही प्रोडक्ट्स जो हैं एविसिम फिटनेस पे अवेलेबल हैं। गाइज जिम सप्लीमेंट साइंस का प्रो जिम एविसिम फिटनेस पे अवेलेबल है, 4 LBS का टब 4600 रुपीज का। एंड गाइज BSN का सिंथा 6 जो है अवेलेबल है चॉकलेट मिल्क शेक और चॉकलेट केक बैटर में, 5 LBS का टब 4800 रुपीज का। गाइज अगर आप इन दोनों में से कोई भी प्रोडक्ट परचेज करना चाहें तो एविसिम फिटनेस को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो गाइज इस कंपैरिजन वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी ये कंपैरिजन वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। मैं इसी तरह के कंपैरिजन वीडियोस, अनबॉक्सिंग वीडियोस, सप्लीमेंट रिव्यूज और टेस्ट टेस्ट वीडियोस अपने चैनल के माध्यम से आप सबके लिए लाता रहूंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज, सी यू नेक्स्ट टाइम।